हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल, और जर्नल के प्रीवियस लेक्चर्स में हम फॉर्मेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, बिसाइड्स हमने कंपाउंड एंट्रीज कैसे फॉर्म करते हैं देखा था, और फिर उसके बाद हमने स्पेशल केसेस डिस्कस करना स्टार्ट किए थे कि बिजनेस में कौन कौन से स्पेशल केसेस बनते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं स्पेसिफिकली इन जर्नल एंट्री। ओके, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर हमने डिस्कशन किया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के पढ़े थे हमने, कैपिटल एंड ड्रॉइंग से रिलेटेड पढ़े थे। फाइन, उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सेट्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड एंड अनअर्न्ड। ये हमारा लेजर का फॉर्मेट है, एज यूजुअल फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर, थर्ड इज लेजर फॉलियो, फोर्थ इज डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ इज क्रेडिट अमाउंट। ओके, अब इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमारे रूल्स वही हैं मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट रूल इज व्हाट, प्लस एसेट इज इक्वल्स टू डेबिट, माइनस एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, प्लस लाइबिलिटी इज क्रेडिट, माइनस लाइबिलिटी इज डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, ऑल रेवेन्यूज विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं, इन्हीं मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज पास करेंगे। दूसरी बात, अगर आप इसको ट्रेडिशनल रूल से पास करना चाहें तो ट्रेडिशनल रूल से भी कर सकते हैं, रियल नॉमिनल पर्सनल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अच्छा, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम जो एंट्रीज पढ़ रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की, और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं एज पर ट्रेडिशनल रूल्स, तो मैं वो भी एक्सप्लेन आपको साथ में करता जाऊंगा। एनीवे, मैं पहले आपको चार टर्मिनोलॉजी का एक बार ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाए। देखिए, हमें चार टर्म्स इसके अंदर पढ़ना है, इन इधर की जर्नल एंट्रीज में। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेकंड इज व्हाट प्रीपेड एक्सपेंस, थर्ड इज व्हाट अक्रूड इनकम, एंड फोर्थ इज व्हाट अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमारा चैप्टर है डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर थर्ड लेक्चर जो है वो ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड को मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है, वहां से उस लिंक पर आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ओके, एनीवे, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू फटाफट दे दूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब होता है कि हमने सामने वाले से सर्विसेज ले ली लेकिन अभी तक उसको पेमेंट एक्चुअली नहीं किया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग, देखिए अगर हमने सर्विसेज ले ली तो एज पर अक्रूअल प्रिंसिपल, हम जैसे ही हमें सर्विस मिली हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, ड्यू हो गया, मींस हमारा एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है। बात अलग है कि अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया, जब पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। ओके, इन द सेम वे प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस, हमने पहले से दे दिया, सामने वाले से सर्विसेस नहीं ली और पेमेंट कर दिया। अब जब मैंने सामने वाले से सर्विसेस ली ही नहीं है तो इट मींस क्या, अभी मेरा एक्सपेंस इनकर्ड हुआ नहीं है। एक्सपेंसेस किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, प्योरली ऑन सर्विसेस, तो मेरा एक्सपेंस इनकर्ड नहीं हुआ फिर भी आई हैव मेड द पेमेंट, तो ये मेरे लिए क्या होगा, इट विल बी एन एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, ये अपने आप में क्या होती है, एसेट होती है। ओके, पेमेंट मेड इन एडवांस। अक्रूड जो होता है वो आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है, आउटस्टैंडिंग को हम एक्सपेंस के सेंस में बोलते हैं और अक्रूड को इनकम के सेंस में बोलते हैं। अक्रूड को कहें तो ड्यू बट नॉट रिसीव, मींस हमने सामने वाले को सर्विसेज दे दी, जैसी सर्विस दी तो हमारी इनकम जनरेट हो गई बोल रहा हूं मैं, रिसीव नहीं हुई, तो अभी रिसीव नहीं हुई है मींस हमें पैसा लेना है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। और अनअर्न्ड का मीनिंग होता है प्रीपेड का जस्ट अपोजिट, मींस इनकम के सेंस में, रेवेन्यू के सेंस में, कि हमने सामने वाले के लिए सर्विसेज इनकर्ड नहीं किए, सर्विसेज हमने दी नहीं है उसके उस, बट बिना सर्विसेज के हमें कैश मिल गया, और कैश मिल गया, अभी तक सर्विसेज नहीं दी है तो हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई है बट हमें कैश मिल चुका है, तो दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये चार कंसेप्ट अपने आप में अल्टीमेटली चलेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आउटस्टैंडिंग और अक्रूड ये इंटरचेंजेबल ट्रांजेक्शन है, मींस आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अक्रूड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, अक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एनीवे, अब हमारे पास कुछ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उनको वन बाय वन लेते जाते हैं और इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पर हम क्या करेंगे, आगे उसको करते जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, सैलरी पेड रुपीज 5000। अब देखिए, तो सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड इट मींस हमें सर्विस मिली किस चीज की, सैलरी की, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, पेड, पे कर दिया मींस कैश जा रहा है मेरे पास से, माइनस एसेट विल बी क्रेडिटेड, तो ट्रांजेक्शन एंट्री विल बी व्हाट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 5000 रुपीज इसका अमाउंट। ओके, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड इन कैश। ओके फाइन,
सेकेंड ट्रांजेक्शन इज आउटस्टैंडिंग वेजेस. अब देखिए यहां पर बोला गया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका मीनिंग होता है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड. आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल दिया गया, आउटस्टैंडिंग हो गई मींस हमने सामने वाले से सर्विसेस ले ली. कौन सी सर्विस ली? वेजेस की. तो जब सर्विस ले ली गई तो वेजेस हमारा एक्सपेंस बन चुका है बाय रुपीज 3000 एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. बट हमने अभी तक इसका कैश में पेमेंट नहीं किया. आउटस्टैंडिंग मींस अभी हमें, हमने काम ले लिया, काम ले लिया मतलब हम पर एक्सपेंस बन गया बट अभी तक हमने उसको पे नहीं किया. जब पे करेंगे तब कैश का पेमेंट होगा, अभी वो पे नहीं हुआ है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? आउटस्टैंडिंग वेजेस. एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी 3000 से विच विल बी क्रेडिटेड. अगर मैं इसको ट्रेडिशनल रूल से बताऊं तो ट्रेडिशनल रूल से ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है क्रेडिट द गिवर के फंडे से. मीन सामने वाले ने हमको सर्विसेज दे दी बट अभी तक हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं किया. सर्विसेज देने के अगेंस्ट में वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर. तो एनीवे आप किस क्रेडिट द गिवर क्या होता है? क्रेडिट के सेल साइड पे जाता है. तो इसकी एंट्री क्या बनना चाहिए? एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट. ठीक है जी. अमाउंट विल बी व्हाट? 3000 बीइंग वेजेस ड्यू बट नॉट पेड. हमने इसका पेमेंट नहीं किया. ओके चले जी. हाँ, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पर. नाउ वी हैव अ ट्रांजेक्शन प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट का मतलब होता है रेंट पेड इन एडवांस. हमने रेंट पहले से पे कर दिया. देखिए रेंट तब ड्यू होता है जब आपका मंथ कंप्लीट हो जाए. वैसे रेंट का पेमेंट प्रीपेड बेसिस पर ही होता है. एनीवे प्रीपेड रेंट का मतलब होता है अभी वो मंथ आया नहीं और आपने उसका पेमेंट पहले से कर दिया. पहले से पेमेंट कर दिया. पेमेंट कर दिया मींस यू हैव पेड द कैश माइनस असेट रुपीज 3000. माइनस असेट विल बी क्रेडिटेड. बट अब रेंट तो लिख नहीं सकता मैं. रेंट क्यों नहीं लिख सकता? और वैसे भी प्रीपेड है तो रेंट तो मेरा एक्सपेंस होगा ना. तो यहां पर मैंने पहले से दे दिया तो दैट विल बी माय प्रीपेड रेंट. और पहले से पेमेंट कर दिया मींस अगर उसने मैं अगर उस मंथ में कंटिन्यू नहीं करता हूं तो मैं वो पैसा वापस ले सकता हूं. तो प्रीपेड रेंट इज एन एक्सपेंस विच विल प्रीपेड रेंट इज एन एसेट विच विल बी व्हाट? डेबिटेड. तो इसकी एंट्री बन जाएगी नंबर 3. एंट्री विल बी व्हाट? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट. प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहां पर हम इसकी एंट्री कर देते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड इन एडवांस. अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि इसकी एंट्री में अभी तो हमने प्रीपेड रेंट रुपीज 3000 इतना लिखा हुआ है इसमें. ये एंट्री एक होती है ड्यूरिंग द ईयर में और एक होती है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इसकी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर कैंसलेशन होता है. उसकी एंट्री बन जाती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट इस तरह से. एनीवे मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक करेंगे तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी फिलहाल हमने उसको कैश में पे किया है. देयर इज एन आउटगोइंग ऑफ कैश तभी हमने कैश को माइनस एसेट के फॉर्म में इधर लिखा है. ओके Now come to the fourth transaction. Total commission paid rupees 1500. Commission paid 1500 out of the total commission of rupees 2000. देखिए हमने commission pay किया 1500. Pay किया means we are paying cash. तो cash मेरे पास से जा रहा है 1500 minus asset credit. Okay. आउट ऑफ द टोटल कमीशन ऑफ 2000 जबकि हमारा एक्चुअली कमीशन कितना था 2000. हमारा एक्सपेंस कितना हुआ था 2000. हमने सर्विसेज कितनी की अवेल की थी 2000 रुपीज की. 2000 की सर्विसेज अवेल की थी. 2000 का हमारा एक्सपेंस बन रहा था बट हमने उसके अगेंस्ट कैश पे कर दिया 1500 रुपए. मींस अभी 500 और देना बाकी है. स्टिल टू बी पेड है. तो क्या बोलते हैं उसको? आउटस्टैंडिंग. मींस हम लिखेंगे इसको आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑफ रुपीज 500 जो अभी पे नहीं किया विच इज अ लाइबिलिटी फॉर अस एंड लाइबिलिटी विल बी व्हाट? क्रेडिटेड. तो इससे हमारी एंट्री में क्या होगा? कैश विल बी डेबिटेड. सॉरी कमीशन विल बी डेबिटेड कैश एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन विल बी क्रेडिटेड. ओके तो इसमें फोर्थ ट्रांजेक्शन बनेगा हमारा कमीशन अकाउंट डेबिट. कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट
टू कैश अकाउंट, अच्छा कमीशन कितने से डेबिट होगा 2000 से, टू कैश अकाउंट पेमेंट कितना हो रहा है 1500, और स्टिल टू बी पेड कितना है टू आउटस्टैंडिंग कमीशन रुपीज 500, ओके बीइंग कमीशन पेड रुपीज 1500 आउट ऑफ द टोटल कमीशन ऑफ रुपीज 2500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग है, जैसा आपको अपनी लैंग्वेज में उसको बताना हो बना सकते हैं उसका। अच्छा इसको मैं अगर ट्रेडिशनल रूल से बोलूं तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट है, और ये पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर के सेंस में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ओके चलिए जी हमारा ये भी ट्रांजेक्शन हुआ। नाउ फोर्थ फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज अक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 500। नाउ अक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 500 मीन्स व्हाट, हमने सर्विसेज दे दी, उसने हमारा लोन यूज कर लिया लेकिन अभी तक हमको इंटरेस्ट पे नहीं किया। जब उसने हमारा पैसा यूज कर लिया है तो हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है, मींस इंटरेस्ट इज आवर रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेटेड, बट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया। रिसीव होता तो हम कैश को डेबिट करते, अभी रिसीव नहीं हुआ, हमें लेना है, लेना है मीन्स इट इज आवर एसेट, तो उसको क्या बोलते हैं जिसको लेना होता है अक्रूड इंटरेस्ट। 500 रुपए की हमारी एसेट है डेबिट जाएगी, इंटरेस्ट इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू विल बी व्हाट क्रेडिटेड, तो इन दिस एंट्री अक्रूड इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड। तो हमारी फिफ्थ एंट्री हो जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट को असेट होने की वजह से हमने डेबिट किया और इंटरेस्ट को रेवेन्यू होने की वजह से क्रेडिट किया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव, ये इसका नरेशन बन जाएगा। अच्छा इस पर अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाता हूँ तो इंटरेस्ट इज अवर इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट है, और अक्रूड इंटरेस्ट हमें पैसा लेना है रिसीवर, वो सामने वाली पार्टी जो है वो है हमारी सर्विसेज की रिसीवर, डेबिट द रिसीवर के सेंस में अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं। पार्टी का नाम कभी भी हम इसके अंदर मेंशन नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो एक टाइप का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। एनीवे अब आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके बाद आगे के ट्रांजेक्शन पे डिस्कस करूंगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड, जो पहले हमने आउटस्टैंडिंग की थी, याद है जब हमने क्या लिखा था ट्रांजेक्शन नंबर टू में आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो उस टाइम हमने क्या किया था, वेजेस को डेबिट किया था 3000 रुपीज से, बीइंग एन एक्सपेंस उसको डेबिट कर दिया था, और आउटस्टैंडिंग वेजेस को बीइंग अ लायबिलिटी हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। ओके अच्छा वेजेस हमने डेबिट क्यों किया था, क्योंकि हमें सर्विसेज मिल गई थी, हमने उसको वो हम पर एक सर्विसेज मिल गई थी, मींस हमारा एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका था, ये बात अलग थी कि उसका पेमेंट उस टाइम नहीं हुआ था, अब हमने उसका पेमेंट कर दिया, इस आउटस्टैंडिंग वेजेस का पेमेंट कर रहा है, तो अब हमारा एक्सपेंस नहीं है, राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्चार्जिंग दिस लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई थी इसको हम 3000 रुपीज से माइनस लाइबिलिटी कर रहे हैं डेबिट, और हमारी पॉकेट से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है 3000 रुपीज का माइनस असेट क्रेडिट। ओके तो ये हमारी एंट्री बनेगी सिक्स्थ, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट बाय रुपीज 3000, इसका रेफरेंस आप पुरानी एंट्री से ले सकते हैं, बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड इन कैश, ये ऐसा ये वेजेस पे नहीं किया, ये हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस पे किया, जो हमने पहले ड्यू किया था उसका पेमेंट हमने एक्चुअली कर दिया, आई होप ये क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमें रेंट एडवांस में मिल गया, रेंट हमें एडवांस में मिल गया बोल रहा है, मिल गया मीन्स वी हैव रिसीव्ड कैश, कैश हमें मिला है कितने का, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5000 रुपीज का, ओके प्लस असेट डेबिट, रेंट पहले से मिल गया मींस अभी सामने वाले ने हमारे प्रीमिसेस का यूज नहीं किया, पहले से पेमेंट कर दिया, मींस अभी हमने सर्विसेज इनकर्ड नहीं हुई है, तो इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड, अनअर्न्ड रेंट मींस अभी अर्न नहीं किया लेकिन हमें मिल गया, तो अनअर्न्ड रेंट इज अवर लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड, तो इन दिस एंट्री कैश विल बी डेबिटेड एंड अनअर्न्ड रेंट विल बी क्रेडिटेड। सेवंथ, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट को अनअक्रूड भी बोलते हैं इसमें, ओके 5000 रुपीज और 5000 रुपीज, इसको लिख देंगे बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, उसको रिसीव्ड इन एडवांस बोलेंगे। अच्छा इस पर ट्रेडिशनल रूल लगाओ
तो इस पर होगा कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, अंडरस्टैंड क्रेडिट द गिवर, एक तरह से उसका क्या हुआ कि उसने हमें पहले से पेमेंट कर दिया है और हम पर लायबिलिटी बन गई है। सर्विसेज के अगेंस्ट पर्सन का नाम नहीं आता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का फंडा उस पर एप्लीकेबल होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अक्रूड रेंट रिसीव्ड। लो जी, अभी जो हमने एंट्री नंबर फिफ्थ में किया था अक्रूड इंटरेस्ट, है ना, अक्रूड इंटरेस्ट था वो, तो अक्रूड इंटरेस्ट रिसीव, तो उसके अंदर उस टाइम हमने क्या किया था कि एक इंटरेस्ट को हमने बीइंग अ रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया था और अक्रूड इंटरेस्ट को बीइंग एन असेट हमने डेबिट कर दिया था क्योंकि ये स्टिल टू बी रिसीव थी। ओके, अब हमें ये अक्रूड इंटरेस्ट मिल गया, जो ड्यू किया गया था उसने बुलाकर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो अक्रूड इंटरेस्ट मीन्स जो असेट क्रिएट की थी माइनस असेट क्रेडिट हो जाएगी और कैश हमारे पास आ रहा है तो प्लस असेट डेबिट हो जाएगा। नाउ दिस एंट्री कैश विल बी डेबिटेड एंड अक्रूड इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड। अभी इंटरेस्ट नहीं मिला है, हाँ इंटरेस्ट हमें जनरेट हो गया था, उसका पेमेंट अब रिसीव हुआ है, अभी तो हमें सिर्फ क्या हमारी एक एसेट जो क्रिएट की थी उस एसेट का रिसीट हमारे पास हो रहा है। तो दिस टाइम एंट्री विल बी व्हाट, अक्रूड इंटरेस्ट, सॉरी इसमें कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, अक्रूड इंटरेस्ट बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट रिसीव, जो भी अमाउंट थी अक्रूड इंटरेस्ट की, आई थिंक अक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट थी इसमें 500 क्या हो जाएगी हमको रिसीव हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ये इसके लिए आप पुरानी एंट्री फिफ्थ एंट्री का रेफरेंस देख सकते हैं जो मैं रेस कर चुका हूं उसमें से। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000 अगेंस्ट टोटल प्रीमियम ऑफ ₹3,500। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000 पे कर दिया, 5,000 मींस कैश का आउटफ्लो 5,000 का है माइनस असेट क्रेडिट। ओके, उसमें से टोटल प्रीमियम हमारा 3,500 था, हमारा एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, सिर्फ 3,500 विच इज अवर एक्सपेंस एंड विल बी डेबिटेड, और ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। अच्छा, 3,500 के एक्सपेंस के अगेंस्ट वी हैव पेड 5,000 मींस हमने ₹1,500 क्या कर दिए, प्री पे कर दिए, प्री पे कर दिए मींस दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ₹1,500 पहले से दे दिए तो वो हमारी असेट बन गई डेबिट। ट्रेडिशनल रूल से देखें तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हो जाएगा हमारा डेबिट द रिसीवर क्योंकि वो हमारा पैसा अभी से यूज कर रहा है। तो एंट्री विल बी व्हाट, इसकी एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है 3,500 सॉरी, और एक और क्या है हमने पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, बाकी क्या कहलाएगा हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितने से 1,500 से, और इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट बाय रुपीज व्हाट 5,000, ये हमारा 5,000 बीइंग, और इसका नरेशन सेम डाल दो, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ठीक है, इस तरह से हम उसका डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकरेज रिसीव्ड ₹5,000, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 4% ऑन टोटल सेल्स ऑफ 1,00,000, हमें ब्रोकरेज रिसीव हुआ 5,000, रिसीव हुआ मींस वी आर रिसीविंग ब्रोकरेज इन कैश, तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ है 5,000, एक एक उस पर ध्यान से देखेंगे आप, प्लस असेट ये हो जाएगा डेबिट, और हमने जो ब्रोकरेज जो हमारी सर्विसेज दी वो कितने की दी थी, ₹1,00,000 की सर्विस दी थी और 1,00,000 के ऊपर 4% के रेट से हमको ब्रोकरेज मिलना था, तो 1,00,000 का 4% होता है 4,000, तो ब्रोकरेज की एक्चुअल अमाउंट बनती है हमारी 4,000, मींस हमारी एक्चुअल रेवेन्यू तो 4,000 थी बट उसके अगेंस्ट हमको कितने मिल गए 5,000, तो 1,000 जो हमको मिला है वो एडवांस में मिल गया, और एडवांस को हम क्या बोलते हैं, अनअर्न इनकम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनअर्न ब्रोकरेज, तो ये जो पैसा है ये हमारे लिए ₹1,000 प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश विल बी डेबिटेड, ब्रोकरेज और अनअर्न क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट बाय रुपीज व्हाट 5,000 टू ब्रोकरेज अकाउंट, हमें कितने का ब्रोकरेज रिसीव हुआ है 3,500 का एक्चुअल ब्रोकरेज रिसीव हुआ है, और टू अनअर्न्ड ब्रोकरेज अकाउंट, और अनअर्न्ड ब्रोकरेज कितने का है 1,500 का, बीइंग ब्रोकरेज रिसीव्ड ₹5,000 अगेंस्ट द टोटल ब्रोकरेज ऑफ ₹3,500। एनीवे हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन और रह गए, वैसे हमने सारे ट्रांजेक्शन नियर अबाउट कंप्लीट कर लिए, कमीशन येट टू बी रिसीव्ड ₹3,000, कमीशन येट टू बी रिसीव्ड का मीनिंग होगा स्टिल टू बी रिसीव्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, अक्रूड कमीशन। ओके, तो कमीशन येट टू बी रिसीव्ड मींस कमीशन इज अवर
रेवेन्यू, रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड और अक्रूड, मतलब अभी पैसा मिला नहीं, अक्रूड कमीशन बीइंग एन एसेट प्लस एसेट विल बी डेबिटेड। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी इसमें अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कमीशन अकाउंट बाय रुपीज 4000 रुपीज का हमारा अक्रूड कमीशन बन गया, बीइंग कमीशन स्टिल टू बी रिसीव्ड हमारा ट्रांजैक्शन है। एंड फाइनली वेजेस पेड रुपीज 2000 अगेंस्ट द टोटल वेजेस ऑफ रुपीज 1800, वेजेस पेड रुपीज व्हाट 2000, हमने वेजेस पे किया 2000 मींस कैश हमारे पास से आउटफ्लो हुआ 2000 माइनस एसेट क्रेडिट, है ना। और टोटल वेजेस कितनी बन रही थी, हमारी एक्चुअल वेजेस 1800 बन रही थी, मींस हमने सर्विस कितने की ली थी 1800 की, तो हमारा एक्सपेंस तो 1800 का था, तो हमने 200 रुपए प्री पेमेंट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपेड वेजेस। कितने की प्रीपेड वेजेस है, 200 की, विच इज अवर एसेट एंड विल बी डेबिटेड। तो एंट्री विल बी व्हाट, हमारे पास वेजेस अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे इसमें वेजेस अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 1800 ओनली, उसमें से कुछ क्या है प्रीपेड है, तो फिर हम लिखेंगे प्रीपेड वेजेस डेबिट कितने से 200 रुपए से, और कैश का आउटफ्लो कितना हुआ टू कैश अकाउंट व्हाट रुपीज 2000 बीइंग वेजेस पेड एंड प्रीपेड वेजेस पेड। तो ये हमारे ट्रांजैक्शंस थे विच आर रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड एंड अनर्न। आई होप इसमें मैंने मैक्सिमम तो कवर करने का ट्राई कर लिया, स्टिल अगर कुछ रह गया हो, कोई क्वेरी या डाउट आपको रह गई हो, या कोई नया ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आती हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी, थैंक यू।